कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। अब जोधपुर की रहने वाली आशा कंडारा ने इन लाइनों को सच करके दिखाया है। आशा कंडारा की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। आशा कंडारा जोधपुर नगर निगम में कर्मचारी थीं और जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम करती थीं। लेकिन अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति के दम पर आशा कंडारा ने राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा पास की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आशा कंडारा का 8 साल पहले अपने पति से अनबन के बाद तलाक हो गया था, जिसके बाद आशा ही अपने 2 बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। बता दें कि अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाते हुए ही आशा ने स्नातक की परीक्षा पास की और फिर अब आरएसएस की परीक्षा पास करके मिसाल कायम की है। एक्चुअली मैंने 2018 में नोटिफिकेशन आया था आरएएस का 2018 का, तो मैंने उस टाइम फॉर्म फिल किया। मेरा 2018 5 अगस्त को मेरा प्री का एग्ज़ाम था, अक्टूबर में रिजल्ट आया 23 अक्टूबर, वो मैंने क्लियर किया, पास हो गई। देन फिर मैंने मेंस की तैयारी की, आगे मेंस की तैयारी की 25-26 जून को मेरा मेंस का एग्ज़ाम था 2019 में, और 2019 में ही 7 जुलाई को मेरे को यहाँ निगम में नियुक्ति मिली थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि जॉब कोई इंसान का छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। वो करती थी 6 से 2 मेरा जॉब था, उसके बाद में जो टाइम मिलता था मुझे 4 से लेकर लास्ट का जो भी टाइम है नाइट का है, खूब नाइट भी सेक्रीफाइस की है, खूब नींद भी सेक्रीफाइस की है, लेकिन पढ़ाई की, मेहनत की, तो बस रिजल्ट आपके सामने है। आशा ने 2016 से ही आरएसएस की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। 2018 में उन्होंने प्रशासनिक परीक्षा और निगम परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसमें से निगम परीक्षा पास कर वो निगम में नौकरी करने लगी। अब उनका आरएएस के लिए सिलेक्शन हो गया है। आशा कंडारा जीवन में पढ़ाई को बेहद अहम मानती हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई से इंसान मजबूत बनता है और उसमें दुनिया की समझ बेहतर होती है। बता दें कि आशा कंडारा की बेटी ने हाल ही में ग्रेजुएशन भी पूरी की है और आईआईटी की परीक्षा भी पास की है। बता दें कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की 2018 परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को घोषित किया गया है, जिसमें झुंझुनू की मुक्ता राव ने टॉप किया है। वहीं टोंक के मनमोहन शर्मा और जयपुर के शिवकाशी खंडाल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।